पहले की रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं थी। ये वाला क्वेश्चन है थर्ड टाइप में, और क्या है क्वेश्चन नंबर है 19 के लगभग ये शायद, यानी अब जो क्वेश्चन रिमेनिंग बच गया अपने पास वो है लेस देन और ग्रेटर देन टाइप का। इसका मीनिंग है ये वाली टर्म हमेशा इससे बड़ी रहनी, बस ये प्रूव करना। तो सबसे पहला स्टेप पुट करेंगे हम n इज इक्वल टू वन पुट करते हैं, वन करेंगे तो इसकी फर्स्ट टर्म लिखते हैं यानी वन का स्क्वेयर ठीक है। इस साइड ग्रेटर देन वन का क्यूब अपॉन थ्री, यानी क्या आ गया, ये आ गया वन और ये आ गया वन बाई थ्री, तो वन और वन बाई थ्री में से वन ही बड़ा है, तो कहते हैं हैंस एन इज इक्वल टू वन ट्रू है, n इज इक्वल टू वन ट्रू है। ये हमारे ये आ गया पहला स्टेप, वो ही सेम एन की जगह वन पुट करना है, वन लिख दिया इस साइड फर्स्ट टर्म एन की जगह वन कर दिया, ग्रेटर देन का साइन था ग्रेटर देन आना चाहिए तो ग्रेटर देन आ रहा, वन एक बटे तीन से बड़ा होता है ठीक है। सेकेंड स्टेप हम मान लेते हैं लेट एस अज्यूम दैट n इज इक्वल टू k इज ट्रू, लेट एस अज्यूम दैट n इज इक्वल टू k इज ट्रू है या नहीं ठीक है। n की जगह k पुट करते हैं, k पुट करेंगे आ जाएगा एक का स्क्वेयर, दो का स्क्वेयर, तीन का स्क्वेयर और k का स्क्वेयर, ग्रेटर देन ये आ गया k क्यूब बाई थ्री। सेकेंड स्टेप मान लिया है, ये वाला टर्म हमारे पास ग्रेटर देन के क्यू बाई थ्री ठीक है। थर्ड स्टेप पर चल पड़ते हैं, नाउ वी प्रूव एन इज इक्वल टू के प्लस वन ट्रू है या नहीं, नाउ वी प्रूव एन इज इक्वल टू के प्लस वन ट्रू है या नहीं। तो के प्लस वन कर देते हैं, तो वन का क्यूब वन का स्क्वेयर, टू का स्क्वेयर, थ्री का स्क्वेयर, के प्लस वन का स्क्वेयर, के प्लस वन का ग्रेटर देन k प्लस वन का क्यू अपॉन में प्लस में अपने पास ये एक्स्ट्रा थी थ्री के प्लस टू अपॉन थ्री, ये वाला कर दिया ठीक है। एक बार ये वाला बताएं, ये वाला स्टेप यहाँ पे था, ये वाला जो स्टेप था यहाँ पे, इस वाले स्टेप से मैंने ये वाला बनाने की कोशिश की, हमेशा आप लोगे अगर ऐसा नहीं बनता है तो आप वो टर्म आप प्लस माइनस कर सकते, जैसे मान लो यहाँ पे 18 के होता तो मैं इसको इसमें 18 के ऐड कर देता, 18 के माइनस कर देता, बिल्कुल ऐसे कैसे आप बढ़ाओगे, और जो एक्स्ट्रा टर्म बनेगी वो एक्स्ट्रा कर देगी। अब एक बात ये बताएं, क्या बताएंगे है 2 जमा 3 से बड़ा है, अगर मान लो है अपने पास 2 जमा 3 से बड़ा है, मैं इस टर्म को ना लिखूं, इस टर्म को नहीं लिखता, तीन को नहीं लिखता, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ 6 2 से भी बड़ा है, कह सकता है इसको, अगर 6 अपने पास 2 जमा 3 से बड़ा है तो क्या मैं 6 2 से बड़ा लिख सकता हूँ, बताए एक बार, या नहीं लिख सकते हैं। अब यही कह रखा है ये वाली टर्म बड़ी है इन दो टर्म के सम से, ये वाले इन दो टर्म के सम से, तो अगर एक टर्म लिखेंगे तो एक टर्म लिखेंगे जब ये बड़ी आ रही है, इस साइड में कम किया है, यानी कहने का मीनिंग एक का स्क्वेयर, दो का स्क्वेयर और लास्ट में आगे के प्लस वन का स्क्वेयर, ये मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन के क्यूब थ्री के स्क्वेयर प्लस वन प्लस थ्री के अपॉन, ये वाले टर्म मैं नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि हमने क्या दिखाना था, ग्रेटर देन दिखाना था बस, ग्रेटर देन यानी अगर 7 बड़ा है 2 जमा 3 से तो आप इसमें से एक टर्म हटा दोगे, 2 हटाओ तो 3 हटाओ, तो आप 7 ग्रेटर 3 3 भी लिख सकते हो और 7 ग्रेटर देन 2। हाँ बताए, अच्छा निखिल तो म्यूट ही है, निखिल म्यूट नहीं है बिल्कुल, अच्छा तो निखिल के पास आवाज आ रही है ठीक है। ये वाला इतना आ गया, वैसे क्वेश्चन भी खत्म हो गया है, और यही हमने दिखाना था, ये वाली चीज जिसको आप ऊपर वाले के प्लस वन का क्यूब बाई थ्री लिख सकते हैं, ये वाली टर्म इससे बड़ी दिखाने से दिखा दी, ये वाला नहीं आया होगा। एक बार दोबारा एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर धीरे धीरे पकड़ने लग जाएंगे क्वेश्चन को, ये वाला दोबारा नहीं करवाते, एक क्वेश्चन और करवाते हैं।
अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब चल दिए भाई हम 2n वाले पे, 2n ग्रेटर देन n दिखाना है, ये वाला प्रूव कर रहा है 2n ग्रेटर देन n है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो पहला स्टेप n की जगह 1, n की जगह 1 मैं नहीं कर रहा क्योंकि n की जगह 1 करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 1 से बड़ा है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आप n बराबर k मान लोगे, n बराबर k पुट करते हैं, n बराबर k तो k करेंगे तो आ जाएगा 2k। हाँ बताएं, फर्स्ट स्टेप नहीं आएगा, कब नहीं आएगा फर्स्ट स्टेप, पूछ रहा है ये बता रहा है, पूछ रहा है अगर फर्स्ट स्टेप नहीं आया तो ये स्टेटमेंट अपने पास रॉन्ग है, स्टेटमेंट ही गलत मिलेगी और स्टेटमेंट कभी गलत हो ही नहीं सकती, ये बात है। अब जो पीएमआई में क्या करते हैं, पीएमआई में पास कुछ स्टेटमेंट रहेगी, उस स्टेटमेंट को हमने ट्रू करके दिखाना है। वो स्टेटमेंट पहले जैसे अपने पास कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, सम्मुख जीपी का फार्मूला बना दिया, एक साइड जीपी कर दी तो एक साइड उसका फार्म ले दिया, अभी प्रूव करके दिखाना है ये हर टर्म के लिए ट्रू हो गया नहीं होगी, तो हर के लिए होगी, पीएमआई मेथड से ये कहता है बस, एक स्टेटमेंट को ट्रू करके दिखाना हर नंबर्स के लिए, एक के लिए प्रूव करोगे, दो के लिए प्रूव करोगे, तीन के लिए, चार के लिए, पांच के लिए, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो है, अगर नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहां पे, आगे चलेगा नहीं। ये था ये वाली, वन के लिए ट्रू है, हाँ 2 की पावर 1, 1 2 की पावर 1 यानी 2, 2 बड़े होते 1 से, ट्रू है हर क्वेश्चन 1 के लिए ट्रू पाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल, कई बार क्वेश्चन ऐसे कर देता है जैसे मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ, हाँ अब मैं क्वेश्चन उठा दे दिया, जैसे ये वाला उठा दिया, क्या बता रहे आवाज नहीं आई, अब मैंने क्वेश्चन उठा दिया ये वाला, हाँ ठीक है, एन स्क्वायर ये वाला उठा दिया, ठीक है क्वेश्चन, अब बता एन की जगह 1 पुट करते, क्वेश्चन दे भी रखा आपकी बुक में शायद है 22 क्वेश्चन है ये वाला, तो एन की जगह 1 करते हैं, एन की जगह 1 तो 1 करेंगे तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया 2, फाल्स होगी कंडीशन, फाल्स होगी, 1 के लिए ट्रू नहीं है, फिर क्या करें, अब क्या करें, तो क्वेश्चन उसने स्टेटमेंट आगे भी दे रखी है, स्टेटमेंट आगे ये कह दी कि एन की वैल्यू 3 और 3 से बड़ी ले रही है भाई, 3 और 3 से बड़ी के लिए बात कर रहे हैं, 3 छोटे नंबर के लिए बात नहीं करनी कुछ भी, अब 3 से आगे वाले नंबर के लिए चेक करेंगे हम, तो एन बराबर 1 नहीं करेंगे, 2 भी नहीं करेंगे, एन की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 3 × 2 = 6, हाँ अब ये ट्रू होने लगी यहाँ से, बस ये था। तो क्वेश्चन में गिवन मिलेगा भाई, एन की जगह 1 नहीं है तो एन की जगह 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, क्वेश्चन मिलेगा, एन स्टेटमेंट मिलेगी आपके पास ट्रू वाली। तो मैं क्वेश्चन था अपने पास 2n ग्रेटर देन एन था जी वाला, एन की जगह 1 पुट करते हैं, कर दिया पुट, आ गया ट्रू है, एन की जगह के पुट करके हम खुद मान लेते हैं, तो के पुट करके मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2k मैंने मान लिया ग्रेटर देन के, के वाला स्टेप ये था, ध्यान रखना। अब k प्लस 1 के लिए करते हैं, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए करेंगे तो 2k + 1 k + 1 n की जगह k प्लस 1 करेंगे, k प्लस 1 आ गया, k प्लस 1 आ गया, ठीक है, यानी कहने का मीनिंग है ये चीज लेके चलने और लास्ट में आपने इस चीज की शक्ल ऐसी बनानी है, इस चीज की शक्ल ऐसी बनानी है और ग्रेटर देन दिखानी। तो मैं लिख के चला 9, अब हम लिख के चले 2k + 1, ठीक है 2k + 1 की शक्ल आपने k प्लस 1 बना रही है, तो थोड़ा सा मैं k वाला स्टेप यूज कर लेता हूँ, k वाला बना देगा इसकी शक्ल ऐसे, तो 2k + 2 इसको मैं लिख लेता हूँ क्योंकि ऊपर 2k ला रही है, तो 2k कर दिया और इंटू में 2k1 कर दिया, यानी इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रखा है 2k की वैल्यू k से बड़ी है, तो 2k की वैल्यू मैं लिख देता हूँ ये वाला टर्म, अब बड़ी दिखा रहा हूँ के से, टू आ गया, 2k आ गया, ये से लेके चला ऐसा दिखा दिया 2k, लेकिन हमने लास्ट में इसकी शक्ल k प्लस 1 जैसी बढ़ानी है, k प्लस 1 जैसी, तो कैसे बढ़ाएं, यहाँ पे 2k है तो 2k को मैं लिख लेता हूँ, 2k को मैं लिख दिया k प्लस k लिख दिया,
टू के की जगह मैंने लिख दिया के प्लस के, यहीं लिख सकते हो टू के की जगह के प्लस के लिख दिया, के प्लस के। ठीक है, अब आगे इसकी शक्ल में प्लस वन और दिखाना है, तो प्लस वन नहीं है तो मैं प्लस वन कर देता हूँ और माइनस वन कर देता हूँ, खत्म। यानी क्या ला दिया लास्ट तक हमने, टू के पावर के प्लस वन लिख दिया थे धीरे धीरे, और वो ग्रेटर आ गया, ग्रेटर किससे, के ये वाला, तो के प्लस वन और एक एक्स्ट्रा टर्म बच गई के माइनस वन, दो टर्म आ। हमने क्या दिखाना है, ये वाला टर्म बड़ी दिखानी है, तो वही वो ये वो ये वाला चक्कर आ गया, छह अगर दो जमा तीन से बड़ा है, छह अगर दो जमा तीन से बड़ा है तो छह अपने पास दो से बड़ा हो गया, तीन से भी बड़ा लिख सकते हैं, तो ये नंबर अपने पास इससे और प्लस इससे ग्रेटर है, तो मैं कह सकता हूँ टू की पावर के प्लस वन इससे भी ग्रेटर होगा और इससे भी ग्रेटर होगा, हमने तो सिर्फ ये लाना है के प्लस वन, बस खत्म। ये था, और ये हमने प्रूव करना था, ये था। अब बताइए ये वाला क्वेश्चन आया या नहीं आया, आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा टाइप है इसको करने के, इस क्वेश्चन को नहीं पता कैसे कैसे सोल्व कर सकते हम, एक ही टाइप रखेंगे हमारे क्वेश्चन की। अगला करते हैं फिर, अगला एक और कर देते हैं फिर, टू की पावर फाइव एन, टू की पावर फाइव एन ग्रेटर देन थ्री की पावर थ्री एन, ये वाला ये दिखा रहा है, ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन की वैल्यू सारे नेचुरल नंबर लेनी है, तो एन की जगह वन से स्टार्ट करेंगे, वन पुट करेंगे तो बड़ी आएगी, ये दो की पावर पांच एन 32, तीन की पावर तीन एन 27, ट्रू है। एन की जगह के करते हैं तो के मैं पुट कर देता हूँ, के तो दो की पावर पांच के, और ये बन जाएगा तीन की पावर तीन के मान लिया मैंने, ठीक है। अब प्रूव करेंगे एन की जगह के प्लस वन, के प्लस वन प्रूव करते हैं, के प्लस वन, तो एक बार चेक कर लेते क्या आएगा, टू की पावर पांच के प्लस पांच, पांच के प्लस पांच, पांच गुना में के प्लस वन करेंगे पांच के प्लस पांच, और इस साइड करेंगे तीन की पावर तीन गुना में के प्लस वन करेंगे तीन के प्लस तीन, ये आ गया। यानी ये चीज आपने इससे बड़ी दिखानी है, आप ये चीज लेके चलोगे, इसकी शक्ल आप कुछ ऐसे दिखाओगे लास्ट तक। चलते हैं फिर लेके, ये वाले लेके चला मैं, चल दिया लेके टू के पावर फाइव के प्लस फाइव लेके चला, ठीक है। इस वाली शक्ल ऐसी तब आएगी तो हम के वाला यूज कर लेंगे स्टेप, तो के वाला स्टेप दो की पावर पांच के है, दो की पावर पांच के लिख लेता है इसको, इसको मैं लिख लिया दो की पावर पांच के इंटू में दो की पावर पांच, ठीक है। अब दो की पावर पांच के इक्वल कह रखी, इससे बड़ी है, इससे ग्रेटर है, अब इसके बाद बराबर का साइन नहीं लगाओगे आप, ग्रेटर लगाओ, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू अपने पास तीन की पावर तीन के से बड़ी है, दो की पावर पांच के लिए तीन की पावर तीन के से बड़ी है, इंटू में दो की पावर पांच, ऐसे कैसे, ये बात ये लगा दी, इसकी जगह मैंने ऊपर वाला स्टेप यूज कर लिया तीन की पावर तीन के, ये अब थोड़ी थोड़ी मैच करने लगी, तीन की पावर तीन की आ गई, तीन की पावर तीन और लानी है, तीन की पावर तीन के प्लस तीन लानी है, इसका मीनिंग तीन की पावर तीन के तो आ गई, तीन की पावर तीन और लानी है, दो की पावर पांच का मीनिंग होता है 32, 32, और तीन की पावर तीन का मीनिंग होता है 27, 27 और लाना है इसके साथ, तो 27 को लिख दें, 32 को खोल के लिख देते हैं, 32 खोल के लिया 27 जमा पांच, ये लिख दिया, मल्टीप्लाई कर देते अंदर इसकी, तो मल्टीप्लाई करेंगे बढ़ जाएगा तीन की पावर तीन के गुणा में 27, 27 को लिख लिया तीन की पावर तीन, प्लस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पांच गुणा में तीन की पावर तीन, अब ये वही चक्कर आ गया, ये बन गया तीन की पावर तीन के सेम बेस पावर है, तीन की पावर तीन के प्लस तीन, ये एक्स्ट्रा एक चीज है पांच की पावर तीन के, ये भी अपने पास नेचुरल नंबर है, के प्लस वन, ये सारे नेचुरल नंबर है, क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू तो हम के पुट कर रहे हैं, जब एन नेचुरल नंबर है तो के भी अपने पास नेचुरल नंबर ही आना है, तो ये अपने पास एक नेचुरल नंबर है और प्लस का है, यानी क्या दिखा दिया, टू की पावर फाइव के प्लस फाइव इस इन दो सम से ग्रेटर है, तो मैं इसको लिखता हूँ बस, तो टू की पावर फाइव के प्लस फाइव कह देंगे अपने पास तीन की पावर तीन के प्लस तीन से ग्रेटर है, ये वाला ये लाना, एक बार दोबारा करवाना हो तो बताओ, दोबारा ये वाला क्वेश्चन आया या नहीं, बताएं बताएं बताएं, कर लेंगे, ठीक है ठीक है।
नेहा, मुस्कान, उपासना, अंजू, ठीक है ठीक है ठीक है, बस दो क्वेश्चन और बताए, बिल्कुल छोटे छोटे थे तो ज्यादा टाइम नहीं लेते, सिर्फ मैक्सिमम 1 घंटा। एंड नेचुरल ये वाला, एक सिर्फ एक क्वेश्चन छोटा मैंने, लेस देन ग्रेटर देन वाला टाइप, वो एक बार ट्राई करना आता या नहीं आता, ऐसे ट्राई करेंगे। अगला है ये प्रूव करके दिखाना है, ये वाला है, ये वाली चीज प्रूव करनी है, एन स्क्वायर प्लस एन इवन है या नहीं, यानी एन स्क्वायर प्लस हमेशा इवन चेक करना है। तो वैसे देखने से पता लग रहा है शायद वो एन कॉमन ले लेंगे, तो एन कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया एन प्लस वन, और ये दो लगातार नंबर हो गए, अगर कभी भी दो लगातार नंबर हो तो एक तो इवन मिले ही मिलेगा, इन दोनों में से अगर एक इवन है, इवन और ओड मिलेगा, एक इवन मिलेगा और एक ओड मिलेगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन ही पाएगा, ये पता ही। पीएमआई से प्रूव करके दिखाना है, यानी हर नंबर के लिए ट्रू होगा। तो सबसे पहला स्टेप है एन की जगह वन, वो इसे करोगे वन का स्क्वायर प्लस वन टू, टू इवन है। एन की जगह वन पुट किया, वन पुट करने से टू आ गया, टू अपने पास इवन है, ठीक है। सेकंड स्टेप में एन की जगह के मान लेते हैं, एन की जगह के, के का मीनिंग है के पुट करें, के स्क्वायर प्लस के इवन, इवन का एक चक्कर ये होता है, इवन नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये ऐसे ना लिखता है ऐसे भी कह सकता है, इज इवन का मीनिंग डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू अगर कोई नंबर तो इवन होगा, यानी के स्क्वायर प्लस के में मान ले डिविजिबल बाय टू है, टू से डिविजिबल का मीनिंग टू एम, ये सेकंड वाली टाइप आ गई जो हमने डिविजिबल वाली टाइप करे थे, इवन नंबर है, इवन नंबर को दो से डिवाइड वाली क्रम, तो दो से डिवाइड ये मान लिया। अब एन के जगह के प्लस वन कर देते हैं, के प्लस वन, के प्लस वन करेंगे तो के प्लस वन का स्क्वायर बन गया, ठीक है, और ये बन गया के प्लस वन करेंगे के प्लस वन, ये भी ठीक है, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, खोल देते हैं, नहीं मानते तो खोल देते हैं, के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस के प्लस, ठीक है। ऊपर वाली के स्क्वायर प्लस के की वैल्यू पुट कर देते हैं टू एम, के स्क्वायर प्लस के, इन दोनों की जगह मैं लिख देता हूँ, इन दोनों की जगह लिखता हूँ टू एम प्लस टू के, और वन प्लस वन या टू, बस सब में से टू को मना रहा है, टू को मना रहा है टू से डिवाइड हो रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है ए वन नंबर है, बस ये हमने प्रूव करना था, एंड इट इज ई वन नंबर, ये बड़ा है। तो ये वाला तो अपने पास मैंने गलती से लिख लिया था, ये वाला क्वेश्चन तो, ये तो करना भी नहीं था, खुद ही करना थे। तो एक और बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल लास्ट, एन की पावर 5/5, ठीक है, प्लस 7n³/3, एन क्यूब बाई थ्री प्लस 7n/15, ये वाला है, एन 5/5, एन क्यूब बाई थ्री, 7n/15 इज नेचुरल नंबर, ये प्रूव करके दिखाना है, इज नेचुरल, ये प्रूव करना भाई, ये वाली चीज हमेशा प्रूव करनी, नेचुरल आएगी, सोल्व करने बाद नेचुरल का मीनिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ना ही पॉइंट में आएगी, ये दिखाना है। तो करते हैं एक बार, एन की जगह वन कर देते हैं, वन, एन की जगह वन करते हैं, तो वन करेंगे तो वन की पावर फाइव वन अपॉन फाइव, वन की पावर थ्री वन अपॉन थ्री, 7/15, ये वाला, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया इसका 15, एलसीएम आ गया 15, तो ये बच जाएगा 5, 3, 5, 7, 7 और 5, 12 और 3, 15, 15/15 यानी 1 आ गया, और 1 नेचुरल है, 1 नेचुरल नंबर होता है, बस एन की जगह 1 पुट करने से हमने सोल्व कर दिया, ये वाली जो सोल्व की, तो 1 आ रहा है, 1 नेचुरल नंबर है, ठीक है। सेकंड स्टेप में मान लेता हूँ एन की जगह के, के मान लिया, तो के की पावर 5/5, के की पावर 3/3, 7 के प्लस 15,
ये मान लिया टेक नेचुरल नंबर है, ये हम मान लेते हैं सेकंड वाला स्टेप में एक नेचुरल नंबर है, ये मान लिया ठीक है। अब एन की जगह के प्लस वन कर देते हैं, एन की जगह के प्लस वन, के प्लस वन करेंगे तो ये आ जाएगा के प्लस वन की पावर फाइव अपॉन फाइव, के प्लस वन की पावर थ्री अपॉन थ्री, प्लस सेवन इंटू के प्लस वन अपॉन फिफ्टी, ये कर दिया। अब ये सोल्व करके हमें दिखानी है कि नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो सोल्व कैसे करें, सोल्व कैसे करें, सोल्व कैसे करें, इसको सोल्व ऐसे करते हैं, या तो कॉमन से तो बात नहीं बनेगी, ऐसे करते हैं के प्लस वन की पांच पावर खोलते हैं, के प्लस वन की पांच पावर आप कैसे खोलोगे, अभी के प्लस वन की पावर पावर आप ऐसे खोलोगे के प्लस, हाँ हाँ के प्लस वन की पावर कितनी कॉमन बता रहे हैं अनिश, तीन, इन दोनों में से, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर बन जाएगी बात उससे भी ठीक है, बन जाएगी के प्लस वन की पावर तीन कॉमन लेने से, फिर उस के प्लस वन की पावर तीन जो कॉमन ली उसका क्यूब खोल देगा, है ना, ऐसे बता, और अंदर वाले का स्क्वायर वगैरह सोल्व कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई भी करेगा बाद में आपस में, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों में से के प्लस वन का क्यूब खोल देते हैं, मतलब काम वही है सारा, इसकी पांच पावर खोल के लिखनी है, अगर पांच पावर हाँ मर्जी आपकी, तीन पावर दो पावर करके खोल सकते हैं, इनमें से कॉमन लेके खोल सकते हो, तो मैं सीधा बता रहा हूँ के प्लस वन की पांच पावर खोलेंगे, मुझे पता है के प्लस वन की पांच पावर होगी, के की पावर पांच आएगी, प्लस फाइव के फोर आएगा, प्लस आ जाएगा टेन के क्यूब आएगा, और प्लस आएगा टेन के स्क्वायर आएगा, और प्लस आएगा फाइव के आएगा, और प्लस वन आएगा, के प्लस वन की पांच पावर खोलेंगे तो ये वाली। अब आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर एट, उसमें बता देंगे मैंने कैसे लिखी है वाली सीधा के प्लस वन की पावर पांच, कितनी पावर हो सीधा बता देंगे हम अपॉन में पांच, ये वाली। तो आप तो सिर्फ आज ऐसे ही करोगे के प्लस वन की पांच पावर है, के प्लस वन का क्यूब अलग, के प्लस वन का स्क्वायर अलग, मल्टीप्लाई करो कुछ ऐसा दिखेगा, ये बात। अब के प्लस वन का क्यूब खोल देते हैं यहाँ पे, के प्लस वन का क्यूब खोलेंगे तो के क्यूब प्लस वन का क्यूब प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री के अपॉन में थ्री, याद प्लस मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा तो सात के प्लस सात अपॉन में पंद्रह, ये आ गया, इन सब की मैंने पांच पावर खोल दी, सब की तीन पावर और इसके साथ समय कर पाए, ये कर, ये था। अब तो बिल्कुल सिंपल समझ गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्या, थोड़ा सा के की साइड देख रहे, के क्या है, जे बड़ा, के की पावर पांच बटे पांच लाड़ी है, तो के की पावर पांच ये रही बटे पांच ये रहा, इसके नीचे एक बार ये कर दे, अलग कर देते हैं वाल्ट्रम, के की पावर पांच बटे पांच अलग कर दे, ठीक है, फिर के की पावर तीन बटे तीन लाड़ी है, ये रही के की पावर तीन बटे तीन, यहाँ से आ जाएगी के की पावर तीन बटे तीन, ठीक है, और क्या लाना है सात के बटे पंद्रह, हाँ ये सात के बटे पंद्रह, इसके पहले पहले वाले टर्म उठा ली सारे की, सात के बटे पंद्रह, ये वाले टर्म मैंने अलग कर ली, इसमें से भी उठा ली, इसमें से उठा ली और इसमें से उठा ली, अब जो बच गई है वो टर्म लिखते बस, तो बस क्या गई, इसके पहले उठाने के बाद पांच के चार बटे में पांच, पांच से पांच कैंसिल, के फोर बच गया, दस के क्यूब अपन पांच, टू के क्यूब बच गया, दस के स्क्वायर अपन पांच, टू के स्क्वायर बच गया, पांच के अपन पांच के बच गया, एक बटे पांच, एक बटे पांच बच गया, ठीक है, इसकी पहले टर्म उठाने के बाद क्या बच गया, एक बटे तीन बच गया, तीन के स्क्वायर अपन तीन, के स्क्वायर बच गया, तीन के अपन तीन, के बच गया, इसकी पहले टर्म लिख ली हमने सात के बटे पंद्रह बाहर लिख ली है, सात बटे पंद्रह बच गया, बस आ गया क्वेश्चन, यहाँ आ गया, ये वाली टर्म हमें पता है नेचुरल है, क्यों है, क्योंकि मान क्या है, ये वाले स्टेप में ये वाली नेचुरल हमने लेट की थी, नेचुरल ही आएगी, तो ये वाले हमने ऊपर वाले स्टेप से लिख दिया, ये नेचुरल है, ये वाली बताएं यहां तक, यहां तक ये वाली नेचुरल है, k
फोर टू के क्यूब टू के स्क्वायर प्लस के नेचुरल है या नहीं है? है, क्योंकि n की वैल्यू तो थी n बराबर की, हाँ के n भी एक नेचुरल नंबर है, k भी एक नेचुरल नंबर है, तो अपने पास ये सारे यहाँ तक ये के एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, चार से मल्टीप्लाई, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे नेचुरल नंबर आएंगे ऐड होने के बाद, ये नेचुरल है, ठीक है। के स्क्वायर प्लस के भी नेचुरल है, के स्क्वायर भी नेचुरल, के नेचुरल, के का स्क्वायर भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, ठीक है। अब बतिया एक बटे पांच जमा एक बटे तीन जमा सात बटे पंद्रह, और एक बटे पांच और एक बटे तीन और सात बटे पंद्रह का सम आता है एक, इन सब की जगह मैं एलसीएम लेकर सोल्व करूंगा, इनका सम सबका आएगा एक, और एक भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल, ये सारे के में थे, फ्रैक्शन में नहीं था, तो सारे नेचुरल, और ये हमने मान रखे नेचुरल, तो सारे टर्म हमने दिखा दी नेचुरल है, बस ये था ये स्टेप। हाँ हाँ, चैप्टर भी खत्म हो गया है, मैं एक दो क्वेश्चन ऐड करता हूँ थोड़े से सिंपल सिंपल से, उस सोल्व करना उनको, ठीक है, ओके थैंक। हाँ, चैप्टर खत्म हो गया फोर्थ, कल चैप्टर नंबर फिफ्थ स्टार्ट करेंगे। हाँ आप, हाँ आप तो अब ऐसे चलेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक मैक्सिमम दो या तीन दिन में चैप्टर खत्म हो गया, अब तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बड़ी थी ये था। चलो बस, थैंक यू, ओके।